क्या हीरो, कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं? बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके खुद भी बड़े हो गए, अभी तो 4 दिन की नौकरी है। वैसे तुम्हें कोई और काम नहीं है? लोगों की छतें टापने के अलावा और लोगों के घरों की टो लेने के अलावा? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। पहले तो कभी इतना जल्दी नहीं उठते थे। उठ ही ना जाओ सुबह सवेरे। क्या चल रहा है, सच बताओ। मैं तो मान ही नहीं सकती ना कि तुम इतने सुगड़ और फरमा बरदार हो गए हो। दाल में कुछ काला है। दाल में काला हो या पूरी दाल ही क्यों ना काली हो, तुम्हें तो बड़ी जलन हो रही होगी। परात का मामू जो बन गया घर का। जलती मेरी झुकती, सच बताओ कल इतना तैयार होकर कहाँ गए थे? किसी लड़की वड़की का चक्कर है क्या? छोटे लोग, छोटी सोच, कर दी ना छोटी बात। फरहाद लड़कियों वड़कियों के चक्कर में नहीं होता। हाँ, लड़कियां फरहाद के चक्कर में होती हैं, और वैसे भी मेरी अप्रोच तुम जैसी गली मोहल्ले की नेक परवीन भैंजी टाइप लड़कियों से बहुत ऊंची है। क्या कहा तुमने, मुझे नेक परवीन कहा है? भैंजी टाइप लड़की कहा है तुम ना। चल अबे तू यहाँ है यार, नीचे अम्मी ने शोर मचा के पूरा घर सर पे उठाया है कि उनका लाडला बेटा आज फिर नाश्ता किए बगैर घर से चला गया। खैर चल जल्दी नीचे आ, और खुदा का वास है भाई मेरे, नाश्ता करके जाई वरना तेरे हिस्से की ना जली कटी मुझे सुननी पड़ेगी। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। वैसे भी आजकल मैं निसार सेठ के घर पे ब्लैक कॉफी पीता हूँ। ब्लैक कॉफी तुम लोगों को क्या बताओगा ब्लैक कॉफी। देख रहे हैं सजाद भाई कैसे ताने दे रहा है हमें, जैसे बचपन से ना 5-स्टार होटल में पला बड़ा हो। ये तो मुझे बता रही, कल से ना अम्मी और अबू उसी के गुण गा रहे हैं। कल लाके 10,000 रुपए रखे उनकी हथेली पे, बस तभी से इसी के हिमायती हुए मैं। अरे तू कर क्या रहा बे, ये कौन सा एंगल है? सीख जाऊंगा कर करके। बड़ा तू आना, शुरू किया है अभी मैंने। जलते रहते हैं मेरी तरक्की से गरीब लोग। और कुछ काम ढूंढो तुम। तू पहले अपना एंगल तो ठीक कर भाई मेरे, ये लगा क्या रहा था तू? सीख जाऊंगा। अच्छा खैर चल, अच्छा चलो